मुझे याद है तेरह साल पहले जब सुजुकी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निर्माण के लिए गुजरात आई थी तब मैंने कहा था कि जैसे जैसे हमारे मारुति के मित्र गुजरात का पानी पियेंगे उन्हें भली भांति पता चल जाएगा कि विकास का परफेक्ट मॉडल कहां है मुझे खुशी है कि गुजरात ने सुजुकी को किया अपना वायदा बखूबी निभाया और सुजुकी ने गुजरात की बात भी उसी सम्मान के साथ रखी आज गुजरात देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टॉप ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के उभरा है साथियों आज का ये अवसर ऐसा है जिसमें गुजरात और जापान के आत्मीय रिश्तों पर जितनी चर्चा करूं उतनी कम होगी गुजरात और जापान के बीच जो रिश्ता रहा है वो डिप्लोमेटिक दायरों से भी बहुत ऊंचा रहा है मुझे याद है जब 2009 में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन शुरू हुआ था तभी से जापान इसके साथ एक पार्टनर कंट्री के तौर पर हमेशा जुड़ा रहा है और यह बहुत बड़ी बात है एक राज्य और दूसरी तरह एक डेवलप कंट्री इन दोनों का साथ चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है आज भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में जापान की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है